18 अगस्त 2008। इस तारीख को देश की इस पीढ़ी का शायद ही कोई व्यक्ति भुला सके। इस दिन कोसी नदी का कुशहा बांध टूटा, फिर कोसी नदी ने तबाही का वो मंजर दिखाया जिसने बाढ़ आपदा का अब तक का सबसे खौफनाक इतिहास रच दिया। इस साल पूर्वी तटबंध पर पानी का दबाव कम करने के लिए बिहार सरकार ने बराज के सामने पायलट चैनल का निर्माण शुरू कराया, जिसे नेपाल सरकार ने रुकवा दिया। हाय तौबा मचा, इस मसले को लेकर कल काठमांडू में कोसी हाई लेवल कमेटी की बैठक भी हुई। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल सरकार ने जितनी दूर चैनल बनाने की इजाजत दी है उसके निर्माण का वक्त गुजर चुका है। मंत्री जी भी मानते हैं कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है। वैसे आज के डेट में भी हम मानते हैं कि अगर आज वो दे भी देते हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो काम करने का सीजन था 1-1.5 महीना, वो बेशकीमती वक्त तो हम लोगों ने गंवा दिया है उन लोग के अवरोध के कारण। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर आज भी वो लोग कुछ फैसला लेते हैं तो हम लोग जितना भी हो सकेगा करेंगे। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव भी मंत्री जी से इत्तेफाक रखते हैं, कहते हैं कुछ दिनों में पानी आने लगेगा, चैनल का निर्माण संभव नहीं है, कुछ दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। क्या है वे दूसरे विकल्प, किसी के पास जवाब नहीं। यानी कोसी के लोग एक बार फिर भगवान भरोसे, पायलट चैनल का निर्माण नहीं हुआ तो लाजमी है कि बांध पहले पानी का दबाव भी नहीं झेल पाएगा, फिर क्षेत्र में मंजर क्या होगा ये सोच कर भी रूह फना हो जाए।